हेलो गाइज, कैसे हैं आप? आज हम लोग फिर से एक नया टॉपिक लेके आए इनकम फ्रॉम हाउस पॉवर्टी में ही, जिसका नाम है डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी। डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी, ठीक है सर। डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी होता क्या है, थोड़ा ये समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक। डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी देखो, इसका रूल है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23 सब सेक्शन 4। हाँ, अगर थ्योरी आपको लिखना है एग्जाम में तो आपको ये सब सेक्शन आपको याद रखना होगा। आई थिंक आप जैसे बीकॉम पार्ट टू में पढ़े भी होंगे, बिजनेस लॉ पढ़े थे, तो जिसमें भी आपको सेक्शन वगैरह याद करना होता, इसलिए आपको इसमें भी लिखना होगा, तो आपके लिए एक अच्छा होगा कि नंबर अचीव करने का चांस मिल सकता है, ठीक है। देखो होता क्या, इफ़ देर आर मोर देन वन रेसिडेंशियल हाउस विच आर इन द ऑक्यूपेशन ऑफ द ओनर फॉर हिज रेसिडेंशियल पर्पज, देन ही मे एक्सरसाइज एन ऑप्शन टू ट्रीट एनी वन ऑफ द हाउस टू बी सेल्फ ऑक्यूपाइड, द अदर हाउस विल बी डीम्ड टू बी लेट आउट हाउस प्रॉपर्टीज, द डिसीजन शुड बी एबल टू रिड्यूस द टैक्स लाइबिलिटी। आई थिंक अभी तो समझ नहीं आएगा कि सर केवल पढ़ दिए, लिखा हुआ है तो क्या, ठीक है। देखिए, डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी का मतलब होता है क्या, जैसे ये ज़्यादा करके जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है, जो ज़्यादा पैसे वाले हैं, जो घर तीन चार जगह बना के रखे हुए हैं, फिर भी उनका बच्चा एक ही जगह रह रहा है, तो अगर किसी पर्सन के पास बहुत सारा मकान रेसिडेंशियल हाउस है, कहीं पे किराया लगाए हुए नहीं, रेसिडेंशियल हाउस है, तो क्या वैसा कंडीशन में टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, वो हम लोग को मालूम करना है, ठीक है। तो इसमें एक रूल क्या है ना कि किसी एक को आप सेल्फ किसी एक का रेसिडेंशियल बना लो, और बाकी पे आपको लेट आउट का पोर्शन के अनुसार काम करना होगा, लेट आउट पोर्शन काम करना, वही यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि इफ़ देर आर मोर देन वन रेसिडेंशियल, अगर एक से ज़्यादा मकान है, विच आर इन ऑक्यूपेशन ऑफ द ओनर, मतलब खुद रह रहा है फॉर हिज रेसिडेंशियल पर्पस, देन ही मे एक्सरसाइज एन ऑप्शन टू ट्रीट एनी वन ऑफ द हाउस टू सेल्फ ऑक्यूपाइड, मतलब कि एक को सेल्फ ऑक्यूपाइड में ट्रीट करो, अदर हाउस विल बी डीम्ड टू बी लेट आउट, उसको डीम्ड बोलेंगे, डीम्ड टू बी लेट आउट, ठीक है, लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, द डिसीजन शुड बी एबल टू रिड्यूस द टैक्स लाइट, तो वहाँ पर टैक्स लाइबिलिटी आपका लगेगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा। मतलब कि अगर डीम्ड लेट आउट की हाउसों की बात करें, अगर दो से एक से ज़्यादा मकान अगर है, तो उसमें क्या करना होगा ना कि एक को लेट आउट बना लो, मतलब सॉरी, एक को रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए रख लो और बाकी सभी को लेट आउट बनाओ। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि सर हम किसको लेट आउट रखेंगे और किसको रेजिडेंशियल रखेंगे, ठीक है, किसको लेट आउट रखेंगे और किसको रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए रखेंगे, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन इस पर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो हमको मालूम चलेगा। देखो ट्रीटमेंट क्या है इन सभी का, वो सीख लेते हैं। अगर डीम्ड हाउस है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है वो हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ डीम्ड टू बी लेट आउट हाउस सेक्शन 23 सब सेक्शन 4 है, इफ अ सेसी इज ऑक्यूपाई मोर देन वन हाउस फॉर सेल्फ रेजिडेंशियल पर्पस, देन ओनली वन हाउस ऑफ चॉइस ऑफ एसेसी कैन बी टेकन एज सेल्फ ऑक्यूपाइड, मतलब कि एक हाउस को सेल्फ ऑक्यूपाइड आपको मानना हो, इट मीन्स नेट एंड वैल्यू शैल बी टेकन एज, तब इसका मतलब कि आपको बताए भी थे क्लास 3 वाले वीडियो में कि अगर खुद रह रहे हैं तो वहाँ पे नेट एंड वैल्यू आपका क्या होता है, नील हो जाता है, ठीक है। तो 23 सब सेक्शन 2 के द्वारा आपका वो नील हो जाएगा, ठीक है। और ऑल अदर हाउस शैल बी डीम्ड टू बी लेट आउट, बाकी अदर हाउस को क्या कर लेंगे, डीम्ड हाउस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से कंप्यूटेशन है आपका कि डीम्ड लेट आउट का उसका कंप्यूटेशन कैसे करते हैं, ग्रॉस वैल्यू कंप्यूटर विद रेफरेंस टू ईआरवी, मतलब ईआरवी के द्वारा आपको कंप्यूट करना होगा, ईआरवी समझ रहे हैं ना, एक्सपेक्टेड रेंट वैल्यू, ठीक है। वैकेंसी अलाउड इज नॉट अलाउड अनरियलाइज, मतलब कि हाँ डीम्ड में याद रखिएगा, अनरियलाइज रेंट का कोई काम नहीं होगा। सेकंड टू पार्ट में हम लोग पढ़े थे कि अनरियलाइज रेंट क्या होता है। म्यूनसिपल टैक्स डिडक्शन इज फुल्ली अवेलेबल, मतलब म्यूनसिपल टैक्स आपका क्या होगा, फुल्ली अवेलेबल होगा, वहाँ पर आपको पूरा देना है म्यूनसिपल टैक्स के बारे में। और स्टैंडर्ड एक्सटेंडर सेक्शन 24 अवेलेबल 30% के द्वारा ये दिया जाएगा, और इंटरनल हाउस सीलिंग फुली अवेलेबल ये भी रहेगा, मतलब टोटल काम करना है, जैसे लेट आउट पोर्शन में जैसे काम करते हैं वही काम करना है यहाँ पे, ठीक है। तो सर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होता है डीम्ड लेट हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है और कैसे डिफाइन किया जाएगा वो हम लोग जान लिए, ठीक है। डीम्ड लेट हाउस का मतलब ही होता है कि अगर एक से ज़्यादा मकान है तो आपको वहाँ पे क्या करना होगा, एक को सेल्फ ऑक्यूपाइड रख लो, बाकी को लेट आउट पोर्शन के अनुसार आप क्वेश्चन उसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो बोलिए सर, अब किस मकान को हम लेट आउट मानेंगे, किस मकान को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे,
तो सपोज मान लो कि अगर आपके पास दो मकान है, अगर आपके पास दो मकान है तो दो मकान है तो दो या तीन जो भी, सपोज तीन मकान है आपके पास, तीन मकान है आपके पास, तो तीन मकान का कैसे आप कवर करोगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब तो डिस्कस क्या करना है उस पर, कुछ क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ में आएगा आपको। तो कैसे उसको हम लोग डिफाइन करेंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे। उस पर क्वेश्चन हम लोग, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन हम कुछ देंगे बनाने के लिए, ठीक है। तो इसमें बनाने का क्या तरीका रहेगा कि अगर एक मकान को हम लोग बना ले, जैसे कि सपोज हम यहाँ पर बताते हैं आपको कि सपोज तीन मकान है, ठीक है, हाउस ए, हाउस बी और हाउस सी। तीन मकान है ए बी सी। अब तीनों में हम सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं, सेल्फ रह रहे हैं, तो ऐसा कंडीशन में हम क्वेश्चन इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्या करोगे ना, करना क्या होगा आपको कि करना क्या होगा कि आप पहले ए मकान को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लो, सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लो, ठीक। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड ए को मानोगे तो आपका बी और सी क्या हो जाएगा, लेट आउट हो जाएगा, ठीक। तो लेट आउट के पोर्शन द्वारा बनाइएगा। उसका फिर बी को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लो, सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लो, तो क्या होगा ए और सी क्या हो जाएगा आपका, लेट आउट हो जाएगा, ठीक। फिर आप क्या करोगे, सी को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानो तो बताइएगा क्या होगा, तो ए और बी क्या हो जाएगा आपका, लेट आउट हो जाएगा, जैसे लेट आउट पोर्शन के द्वारा बनाते हैं वो कर। तो ये कंडीशन रहेगा, और जब तीनों का हम कंडीशन निकाल लेंगे तो ए का बी का सी का तीनों का मालूम चल जाएगा। जब तीनों का मालूम चल जाएगा ना तो जो सबसे छोटा होगा ना वही आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड हो जाएगा। तो बाकी ए बाकी बी और सी क्या हो जाएगा आपका, जो भी हो मतलब, तो जो छोटा होगा वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यही कंडीशन था इसमें डीम्ड हाउस में। तो डीम्ड हाउस समझ में आ गया क्या होता है डीम्ड हाउस, उसको अच्छे तरह से नोट डाउन कर लीजिएगा, पॉज कर करके इसको नोट कीजिएगा अच्छे तरह से। थ्योरी बहुत ही अच्छा है, ठीक है, और मीनिंग है अच्छा वर्ड में, ताकि कोई ज़्यादा हार्ड भी नहीं है कि समझ नहीं आएगा, एकदम सिंपल वे में लिखा हुआ है। तो इसको अच्छे तरह से नोट कीजिएगा, नोट डाउन करके अपने अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का थ्योरी क्लासेस पूरा खत्म कर चुके हैं। थ्योरी क्लासेस आपका हाउस प्रॉपर्टी का खत्म हो चुका हुआ है, ठीक है। मतलब कि हम लोग दो पार्ट पढ़ चुके थे, एक इनकम फ्रॉम सैलरी जो उसका भी हम लोग थ्योरी डिस्कस कर चुके हैं पूरा, वो आप वीडियो में देख लोगे। फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, वो भी आज का क्लास में थ्योरी पूरा खत्म हो चुका हुआ है, उसको भी अच्छे तरह से डिस्कस कीजिए। अब इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और अच्छे तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी सभी क्लास को, तो क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री, क्लास फोर, हाउस प्रॉपर्टी का क्लास फोर तक गया, सैलरी का भी आई थिंक क्लास फोर तक ही गया हुआ था वो पार्ट, तो वहाँ तक भी उस सबको देखिए थ्योरी को अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में थ्योरी भी देना है। जरूरी नहीं कि आपको 5:1 के रेशियो पे मतलब क्वेश्चन आता है, मतलब पाँच को पाँच प्रैक्टिकल पाँच थ्योरी, ऐसा नहीं है। कभी 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 आपका 6 और 4 भी आपको आ जाता है, मतलब 6 थ्योरी और 4 प्रैक्टिकल, तब क्या करेंगे, तो थ्योरी भी आपको लेकर चलना होगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक, अपने फ्रेंड लोग को दें जो आपके बैच के हैं, तो उन लोगों के लिए, ठीक है। थैंक यू।